बड़ी मज़ेदार चीज़ आप देती है, आकाशवाणी। आकाशवाणी को आप सुनते तो हैं और ऑल इंडिया रेडियो को, लेकिन आकाशवाणी को आज आप देख सकें, क्योंकि ये कहा गया कि भाई मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित करते हैं। और ये देखिए कि आप आकाशवाणी की झांकी है जिसमें वादक हैं, गायक हैं, प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, और इनका नारा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। राष्ट्रीय जब हम स्टूडियो में देखिए लड़कियां मिल करके सब गीत प्रस्तुत करती हैं, और ऑल इंडिया रेडियो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय क्यों न हो, आकाशवाणी से ही हमारी वाणी दूर दूर तक जाती है। और अब विदेश मंत्रालय की झांकी आसियान शिक्षा एवं व्यापार। विदेश मंत्रालय ने यहां दिखाया है कि किस प्रकार से बौद्ध भिक्षु न केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, बल्कि मानव आचरण में सुधार कैसे होता रहे इसका भी वर्णन किया जाता था। और बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी इन्हीं के द्वारा संचालित हुआ करते थे। तो शिक्षा और वाणिज्य दोनों ही। फिर हम आपको वन्य जीवन की ओर ले चलेंगे, कर्नाटक की झांकी। क्यों, हरियाली कहाँ से आती है? हरियाली वन्य जीवन से आती है। राजपथ पर हरियाली, राजपथ पर जंगल, जी हाँ, ये सशस्त्र सेना ही उगाती है यहीं पर आपके लिए। और पांच राष्ट्रीय पार्कों के जो कर्नाटक में हैं वो इसको हरा भरा रखती है, और वहाँ पर वन्य जंतु भी बहुत बड़ी संख्या में होती है। मध्य प्रदेश, सांची, इसके पीछे आएगी शायद वो सांची। अच्छा, मध्य प्रदेश तो इसके पीछे की तरफ। उससे पहले ये आसियान देशों की, क्योंकि इस बार ब्रिगेड साहब, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि तमाम रामलीला का मंचन यहाँ पर चल रहा है और भी जो तमाम गतिविधि चल रही है, उन्हीं कल्चरल इवेंट्स को इकट्ठा करती हुई ये एक विदेश मंत्रालय की, जिसमें आसियान को इकट्ठे संस्कृति कैसे हमारी मिलती है वो दिखाया गया। बहुत ही सुंदर है, और इसीलिए दर्शक मंत्र ये देखिए, वो जंगल जिसकी चर्चा हो रही है, कर्नाटक की ये कर्नाटक की झांकी, प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र तो आपने पहले मध्य प्रदेश में देख लिया। ये कर्नाटक की झांकी है जहाँ पर के वन्य जंतु कितने, आपको लंगूर बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, हाथी भी दिखाई देते हैं। और यहाँ की जमीन का पांचवां हिस्सा जो है कर्नाटक का, वो वनों से आकर, जो कर्नाटक के मंत्री हैं वो खड़े होकर के ताली बजाकर अपने स्टेट को एंडोर्स करते हुए दिखाते हुए खुश होते हैं। और बहुत सुंदर झांकी बनाई है, अगर देखा जाए देखिए पूरे वन्य जीव को दिखाया गया है, हाथी और जो पूरा हाथी। और क्योंकि अमूमन कर्नाटक के इस पहलू से, टूरिज्म के कर्नाटक के इस पहलू से बहुत ही ऐसे जो कि उत्तर भारतीय कम से कम हो कई बार वाकफियत नहीं रखते, तो उसे बखूबी दिखाने की कोशिश कर्नाटक, समृद्ध वन संपदा है वो दिखाते हुए, और प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान, मन मन मुस्कुरा करके उन झांकियों को पसंद करते हुए। अब मध्य प्रदेश की ब्रिगेड साहब झांकी को विषय वस्तु बनाया गया, और सांची की चर्चा यहाँ की उन्होंने, कि सांची में कितना अच्छा बौद्ध स्तूप है, और बौद्ध स्तूप सांची का, मध्य प्रदेश का, क्यों ना आइए उनका संगीत थोड़ा सा सुन लिया जाए। Thank you.
69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की परंपरा सांची भोपाल से अधिक दूर नहीं है, लगभग एक घंटे का रास्ता है और अच्छी सड़क है। और अब त्रिपुरा, हस्तशिल्प, सौंदर्य, ललित कला, इन सब का संगम। और संगीत सुनिए। गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दी है। इसके दो कारण हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट एज इट इज़ थोड़ा रिलेटिवली बैकवर्ड था रेस्ट ऑफ द इंडिया से। दूसरी बात है कि नॉर्थ ईस्ट से ही हमारा रास्ता सारी एशियन कंट्रीज़ को है। और तीसरा, वो स्ट्रेटेजिकली नॉर्थ ईस्ट अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है फॉर द पॉसिबल थ्रेट जो हमारे को नॉर्थ से हो सकती है। चलिए पहाड़ का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड की जान है इसका। और उत्तराखंड का लोक संगीत, उत्तराखंडी म्यूजिक, अजीत डोबल पर कैमरा गया Every tableau created with such perfection. अब जम्मू कश्मीर की झांकी। और सावन, जिस तरीके से हम इस झांकी में देख पा रहे हैं, जो इस वक्त का मौसम रहता है, जैसे कि बर्फ है, बर्फ अब जब चली जाएगी बाहर, बर्फ जाने के बाद जिस तरीके का मौसम आएगा, जो नई पत्तियां आती हैं, कुछ वैसे ही मौसम को दर्शाती हुई जम्मू कश्मीर की झांकी। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर अकेला नहीं है, क्योंकि जम्मू, ले और कश्मीर तीनों संस्कृतियों को एक साथ दिखाती है। जी हाँ, और इसीलिए तो देखिए कि फूल जो है खिलने लगे हैं। जब बर्फ बहुत पड़ी होती है तो फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन जब वसंत ऋतु, अभी तो हमने वसंत पंचमी मनाया, तो वसंत ऋतु में आप देखिए फूल खिलने लगते हैं। और ये जो चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ थी, ये चिनार का वृक्ष है। और कश्मीर का चिनार जो है वो चिन्ह है। और ये लाल हो रही है, इसके अंदर इनका पतझड़ आने वाला है। जब पतझड़ आता है तब ये पत्तियाँ लाल हो जाती हैं। और ये देखिए, हमारे भी तो पत्तियाँ कितनी हरी हैं, राजपथ की जोर हो, ये सब जामुन के वृक्ष हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ये महाराष्ट्र की झांकी है और उनका राज्याभिषेक दिखाया गया है। राज्याभिषेक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसलिए किया क्योंकि उस समय उन पर कई तरफ से आक्रमण हो रहे थे, और उन पर सुल्तान भी कर रहा था, मुगल भी कर रहे थे। और ये देखिए, यहाँ सब ने खड़े होकर के कहा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो जनता का मनोबल ऊंचा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक किया। और गागा भट्ट वाराणसी से आए, जिन्होंने वेद मंत्र का पाठ किया। और ये ध्वज देखिए, हिंदू स्वराज की स्थापना, और उसके बाद ये ध्वज। आइए शंखनाद सुनते हैं। भूषण कवि की कविता। देवमलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। स्क्रीन पर नितिन गडकरी। और आज भी मराठा लाइट इन्फेंट्री का जो युद्ध घोष है, वो बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
और उसके साथ दुश्मन के पेट में हम संगीन झांकी में अब राजपथ कोस्टल यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप का हम लोग कर लेते हैं। समंदर के साथ लगता लक्षद्वीप और क्योंकि पानी भी है, समंदर भी है, मछुआरे भी हैं और अपनी एक जिंदगी है और उसी एक कोस्टल लाइफ को दिखाते हुए इरमाशरी लक्षद्वीप भी है। बहुत इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, वहाँ भी एक छोटा सा रनवे है, मैं खुद भी वहाँ लैंड कर चुका हूँ और स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे हम इज़राइल के साथ हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो इज़राइल से ये टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश कर रहे हैं जो डीसेलिनेशन टेक्नोलॉजी है लक्षद्वीप में, नहीं तो पानी का एक डीसेलिनेशन प्लांट है मगर फिर भी पानी कई बार मेन लैंड से जाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की झांकी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आगे आती हुई। दिस इज द टैबलो फ्रॉम छत्तीसगढ़ रामगढ़'स एंशिएंट प्राचीन रंगशाला है और नाटकों का मंचन, नृत्य और गीत, क्योंकि ललित कलाएं ये हमारे जीवन को बहुत ही मधुर बनाती हैं। आइए आनंद में। राजपथ पर सलामी मंच की ओर छत्तीसगढ़ के बाद केरल की झांकी, गॉड्स ओन कंट्री, भगवान की खुद नगरी जिसे कहते हैं। समंदर भी है, पहाड़ भी हैं, मंदिरों का, स्थानों का, मसालों का और कथकली भी नृत्य में। और मसालों के लिए तो वास्को डी गामा जो है आप पुर्तगाल से चल करके कालीकट आए। आज भी अगर आप जाइए केरल, मुन्नार जाइए, टेकेडी जाइए, वहाँ जाकर के ऐसा लगता है कि मानो हवा में छोटी इलायची की गंध खुली है, सुगंध आ गई है, कुछ उस तरीके की वादी लौंग, है लौंग लताएं, हर तरह की उपज है वहाँ पे केरल में। और इतना सुंदर स्टेट है हमारा केरला। यस, तभी कहा गया ना गॉड्स ओन कंट्री। गॉड्स ओन, देखिए विविधता में एकता भी है और कितनी हमारी संस्कृतियां दूर दूर की मिली हुई। और ये देखिए जो असम में हम आ गए, परंपरागत मुखौटे, मुखौटे ही मुखौटे। इंतजार कर रहा हूं कि असम की झांकी थोड़ा करीब आए तो बिहू देखने को मिले। जी आबो आबो लंकाधिपति रावण निस्तेजानो मोहर हवा विरह हे भूमंडले आरी नाही जानी जानी इबार हबो विश्वमुख लागी चल हो चल हो। भारत का सांस्कृतिक राक्षस बद हो गया और अब चलिए वीरों के देश साडा पंजाब।
झांकी चलिए पंजाब पर आप ही कुछ कहिए। कंठा से दस्ताने पंजाब की झांकी अभी करीब आती है, इसलिए मैंने कहा पंजाब के साथ तो हर कोई साढ़ा पंजाब। आप देखिएगा हर झांकी के साथ एक आर्मी का जवान साथ में मार्च कर रहा है, वो एक मार्कर है, वो टाइम और डिस्टेंस मेंटेन करता है और सब झांकियां उसके साथ साथ चलती हैं। जो झांकी का ड्राइवर है उसको मार करके उसके साथ साथ चलता है, क्योंकि ये गोल्डन टेंपल इस वक्त और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किचन इसे कहते हैं, जो लंगर प्रसाद यहाँ पर हमेशा कम्युनिटी किचन में किया जाता है। और थोड़ी सी गुरबानी सुनते हैं। From Himachal Pradesh, a presentation of the Kai Monastery, which is in the Spiti Valley, and it's over 1,000 years old. The Buddha in meditation, the stupas. मैं गया हूँ इस Himachal Pradesh Spiti. मैं इस monastery में भी गया हूँ, Kai Monastery, ये लाहौल Spiti के तरफ। जी। ये Spiti में पड़ती है और बहुत बड़ा, हालांकि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, बहुत ज़्यादा हार्श वेदर कंडीशंस होती हैं, लेकिन फिर भी जो मॉन्क्स रहते हैं उनकी डेडिकेशन और उनकी फिलॉसफी देखने वाली होती है, जिस तरीके से वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। और कुछ वही Kai Monastery दिखाई है, और ये Kai Monastery एक तरीके से अब हम ये कह सकते हैं कि जो आपस में हमारा और हमारा बुद्धिस्ट कल्चर का और इंडिया और तिब्बत का जिस तरीके से प्रभाव है और जो हमारा संबंध है, उसकी भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। ये ना लद्दाख की जो इन्फ्लुएंस है ओवर हिमाचल, जैसे तिब्बत लद्दाख और हिमाचल की इन्फ्लुएंस का एक बहुत अच्छा संपर्क है ये मॉनेस्ट्री। ये दृश्य परेड के अलग अलग स्थानों से, परेड के अलग अलग स्थानों से, और ये मणिपुर की झांकी अभी मणिपुर की झांकी आ रही, लेकिन जिसका जिक्र आपने पहले किया ब्रिगेडियर सावंत, क्योंकि उस वक्त आपने कहा कि टेक्नोलॉजी कम होती है, ये मणिपुर की झांकी इस वक्त सामने आती हुई, लेकिन क्योंकि कैमरा टेक्नोलॉजी हर जगह है, कैमरा हर एंगल से तैनात कर रहे हैं तस्वीरों को, एक तस्वीर वहां से गुजरती है वो दूसरी तरफ से भी कैप्चर करके दिखा देता है टीवी स्क्रीन पर। ये मणिपुर इस वक्त गुजरात राज्य की झांकी साबरमती आश्रम की शताब्दी और गांधी जी पर केंद्रित है। वर्ष 2017 में साबरमती आश्रम की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए, आश्रम की शताब्दी, और यहाँ वर्षों तक रहे महात्मा गांधी ने 1930 में वहाँ न केवल उन्होंने लोगों को आकर्षित किया, बल्कि अब जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं मोदी जी साबरमती आश्रम गुजरात अवश्य ले जाते हैं, शांति के लिए और इतिहास के लिए। तभी तो देखिए ये सब कितने मंत्रमुग्ध होकर के देख रहे हैं कि ये आश्रम कहाँ, आश्रम तो आश्रम। और मैंने एक और चीज़ भी गौर की, अगर जो राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं उनके पीछे दो की पंक्ति में एक कहीं ना कहीं ट्रांसलेटर या बताने के लिए भी है कि ये इस राज्य की झांकी है और ये हमारे इस राज्य की विशेषता है या विविधता है। वैष्णो जन तो तेने कही पीर पर आई जाने रे।